आप लोगों को शौचालय योजना का लाभ मिला है क्या? नहीं सर, कोई नहीं। हमारे गांव में एक शौचालय है। सरकार ही ने चोरी कर ली। अच्छा, सरकार ने ही चोरी कर ली। तो आप क्या खुले में शौच के लिए जाती हैं हर दिन? गरीबों के डबरा देख लो सर, चालक हमारे यहाँ से में रहते हैं, हमारे जाते बिल्कुल, तुम हमारे घर देख। अब होती तो जब गरीबों के काय के टपरों में डाली रहती सर। जो तारीख पर राशन बटा थे वो तारीख पे नहीं मिलता। वे बोलते नहीं आया नवा कबा के महीना में हटाओ। क्यों नहीं बोले साहब, क्यों नहीं बोले? हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान। रोड की दोनों तरफ लोग शौच के लिए मेरे ख्याल से सुबह शाम जाते हैं, इसलिए काफी गंदगी है। अभी हम बढ़ चुके हैं तेंदुखेड़ा के ग्राम पंचायत भौरी में और आप देख सकते हैं कि रोडें काफी गंदी हैं और ये पहला गांव है जहां पे ये इस तरह की गंदगी देखने को मिली है कि रोड लोग में ही शौच करते हैं। बेहद शर्मनाक है। यहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, जो सचिव है, जो विधायक है, उन सबके लिए ये बेहद शर्मनाक है। और शायद यही क्षेत्र है जहाँ पे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी और ये शायद इसी गांव की कहानी नहीं, कई गांवों की कहानी है। ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे सांसद विधायक ने गांवों को गोद लिया है और वहाँ पे इस तरह की विकास की गंगा बहती है कि रोड पे ही नाला बहता है और लोगों का आवागमन बाधित होता है, लोग परेशान रहते हैं। रोड के अलावा इस गांव में सब कुछ बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ धान की फसलें लहलहा रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। हम लोग पहुंच चुके हैं तेंदुखेड़ा में, जो आता है दमोह जिले में। तेंदुखेड़ा में ये गांव है भौरी और भौरी जैसे यहाँ पे कई गाँव है जहाँ पे बीड़ी उद्योग और तरह तरह के छोटे उद्योग चलाए जाते हैं। मजदूरी जो है यहाँ पे काफ़ी कम है, 100-150 रुपये मजदूरी है हर दिन की, जो सरकारी मजदूरी का रेट है उससे भी कम है। यहाँ पर लोगों को सरकारी योजनाओं का क्या क्या लाभ मिलता है, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे। क्या नाम है आपका? बुद्धि भाई। बुद्धि भाई, आप लोगों को शौचालय योजना का लाभ मिला है क्या? नहीं सर, कोई नहीं। सरकारी शौचालय जो मिलता है सरकार द्वारा नहीं मिला? नहीं, नहीं मिले सर। आप क्या बताएं सर, हमारा क्या कारण? कुछ तो आपको समझ में आता होगा कि किस वजह से नहीं मिला आपको। अब हमारा के अब नाले जाए नहीं पता रहो सर, हमारा तो अब हमारा क्या जाने गरीब। तो कहाँ, आपकी उम्र कितनी है? 40-50-60। 50-60 साल की उम्र है आपकी। तो आप क्या खुले में शौच के लिए जाती हैं हर दिन? हाँ हाँ सर। कभी बीमार हो गई तो? आप क्या बीमार हो गई तो अपना भाई अंगना वगैरह है, बारी वगैरह है, अपने डरी पड़ी है तो अपने दुख परीत में चली गए। अच्छा। हाँ सर। आपके जो विधायक हैं वो तो बोलते हैं कि आप लोग खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अरे सर, अब देव से विधायक तो जब आई नहीं है, हमारे गरीबों के टपरा देख लो सर, चालक हमारे यहाँ से में रहते हैं, हमारे जाके बिल्कुल, तुम हमारे घर देख लो। अच्छा। हमारे तो आता ही नहीं है कोई। नहीं सर, हमारे की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी ग्राम पंचायत सरपंच से आप लोगों ने कोशिश नहीं की बात करने की? करते हैं सर, नाम नहीं है लिस्ट में सर। किसका नाम है जब किसी को आपके गांव में किसी को नहीं मिला? नहीं सर, कितना लिस्ट में नाम ही नहीं है। और सरकार तो कहती है कि पूरे के पूरे देश में जितने भी गरीब हैं सबको शौचालय मिल चुका है। नहीं सर, हमारे की कोई नहीं आए थे सर गांव में किसी के। तो क्या लगता है कि आपका शौचालय कहाँ चला गया? आप सर, हमारे के वहाँ पता हो तो नाले तो हमारे क्या कहाँ भेजा दे। कहीं आपके शौचालय को कोई चोरी तो नहीं करके ले? आप ले गए हो सर, तो अब हम उनके वही नॉलेज हो तो चोर ही ले गाओ। क्योंकि सरकार तो बोल रही कि बन गया आपका शौचालय। सरकार बोल रही जब सरकार ही ने चोरी कर ली। अच्छा, सरकार ने ही चोरी कर ली। अब सरकार ने ऐसी कि भाई अब जो कर्मचारी चोरी कर लिया सरकार ने तो दे दिया। तो सरकार ने दे दिया तो सरकार को कुछ तो चाहिए कि वो जांच करे कि गरीबों को मिला कि कोई और ले गया। जा सर, कोई नहीं हो रही। अब होती तो जब गरीबों के काय के टपरों में डाली रहती सर, जैसे चेक हो तो जो गरीब जनता ने डाली रहती यहाँ से। नहीं सर,
तो कभी कोई सरकारी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए नहीं आते? नहीं, जैसे ग्राम पंचायत है, उनकी जो योजनाएं हैं उनकी जांच होती है? भारत सरकार ने प्रबंध कर रखा है कि हर ग्राम पंचायत की जांच हो? नहीं नहीं सर, हमारे को पता लो नहीं रहा है कभी हो जाते सर्वे सब कछु नहीं, हमारे के कुछ नहीं होता। नहीं आज आया हो सर तुम, ये तो कोई ना। अच्छा, अभी एक और व्यक्ति है जिनकी समस्या है कोटे से लेके, उनका कहना है कि राशन, जो सरकारी राशन मिलता है वो नहीं मिलता है। बताइए सर समस्या है। जो तारीख पर राशन बटा थे वो तारीख पर नहीं मिलता है। अच्छा, और लेट मिला थे, नवक भी नहीं मिले। अच्छा, वो तो बोलो तो गुंडागिर्दी भी बताते हैं। क्या बोलते हैं? वे बोलते नहीं आया नवा कबा के महीना में हटा। कोटा जो आपका सरकारी कोटा है कहाँ पर स्थित है? झरौली पंचायत। झरौली पंचायत जी। तो आप लोगों ने कभी उनके खिलाफ जब विधायक वगैरह आते होंगे वोट वगैरह मांगने के लिए, तो कभी आपने बोला नहीं कि आप? नहीं नहीं बोला अभी। अभी 181 पे एक दो लड़कों ने करी थी शिकायत। तो क्या क्या उन लोगों ने बोला? आप उनसे कछु बे आए से उनको राजीनामा होगा। अच्छा, तुम्हें तो दिया बच्चे तुम जो कर लू आप। अच्छा हाँ, राजीनामा बन गए। हमारे गाँव में एक शौचालय रहने। तो शौचालय बनाने में कितना? शौचालय में तो 50,000 रुपए लग जाए। सरकार देती है कुछ 12-15। हाँ, तो वे भी नहीं ना कछु नहीं। तो जैसे मान लीजिए जिनके पास है 12-15,000 रुपए वो तो बनवा लेते होंगे, लेकिन गरीब जिनके पास 100 रुपए डेली कमाने वाले लोग हैं वो 10,000 भी कहाँ से इकट्ठा कर? नहीं कर सकते है ना। हम दबाव पहुँच चुके हैं सर, हमारी शौचालय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला शौचालय? अरे ये पत्ते क्या रेट खरीदते हैं आप लोग? कितने रुपए का पत्ता आता है 1,000 बीड़ी बनाने के लिए लगभग, पता है आपको? कि ठेकेदार दे के जाता है